कोरोना एक जीवित जीव कोरोनार भी रही बंचिबार अधिकार कोरोना एक जीव ताकू भी ए दुनिया रे बंचिबार अधिकार अछि किछि एपरि बयान दे एबे विवाद घेरकु आसीछंती उत्तराखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत। गुरुवार देवेंद्र सिंह रावत कहिछंती कोरोना भाइरस एक जीवित जीव अटे जहाँ बंचिबार अधिकार रही। सोशल मीडिया रे पूर्वतन मुख्यमंत्री को एही बयान एबे भाइराल हेबारे लागिछि। गतकाली उत्तराखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत कहिथिले दार्शनिक दृष्टिकोण रु जदि देखा जाए तेबे कोरोना भाइरस मध्य एक जीवित जीव अटे अन्य लोकों भली ताकु मध्य बंचिबार अधिकार रहिछि किंतु आमे मणिष माने निजकु सबुठारु बुद्धिमान भाबुछु आउ ताकु मारिबाकु प्रस्तुत अछु आउ एथिपाई से क्रमागत भावे निजकु बदलाउछि। समस्ते कोरोना भाइरस पछरे लागिछंति जेउथिपाई से बंचिबाकु निजर रूप बदलाउछि आउ एबे बहुरूपिया होइ जाइछि। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी है। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। जेतेबेले सारा देश कोरोनार द्वितीय लहर संक्रमण सह संघर्ष करुछि दिनकु दिन हजार हजार लोक कोरोना रे प्राण हराउछन्ति सेतेबेले जणे पूर्वतन मुख्यमंत्री को एपरि बयान अनेक चर्चा सृष्टि करिछि। तेबे देवेंद्र सिंह रावत को एपरि बयान परे एबे सोशल मीडिया रे ताकु नै ट्रोल करुछन्ति लोके। कोरोना महामारी दिनकु दिन अधिक सक्रिय हेउथिबा बेले मृत्यु संख्या मध्य बढुछि। ऑक्सीजन अभावरु छटपट होई कहार जीवन जाउछि तो हॉस्पिटल रे बेड खंडिए न पाई किए प्राण हराउछि। सारा देश संकट भितरे गति करुथिया बेले जणे पूर्वतन मुख्यमंत्री को एपरि बयान अनेक प्रश्न सृष्टि करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।